नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नाइन प्लैनेट सॉल्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुदार नेहा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, हीलर, टैरो कार्ड रीडर और वास्तु कंसल्टेंट। आज दशहरा है, दशहरे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे वाले दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारे घर में पूरा साल शांति रहे, समृद्धि बढ़े, पैसे की दिक्कत खत्म हो? तो दशहरे वाले दिन दशमी पे कुछ विशेष उपाय हैं जिसको करने से हमें फ़ायदा मिलता है। शम्मी वृक्ष एक पौधा है, पेड़ है, जिसका नाम है शम्मी। अगर आप गूगल पे ढूंढेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। उस पर घी का दीपक जला के आइए शाम को, दहन के बाद आपको पैसे की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दशहरे वाले दिन दहन के बाद ही झाड़ू का दान मंदिर के अंदर छिपा के झाड़ू रख के आनी चाहिए। किसी को बताना नहीं चाहिए झाड़ू कहाँ लेके जा रहे हैं। लोगों को पता सबको होता है, लेकिन जान करके लोग बोलते हैं क्या कर रहे हैं, किसी ने बताया है मतलब, तो नज़र में नहीं आना चाहिए। चुपचाप लेके जाके रखे आइए दहन के बाद, रात को आपको रख के आ सकते हैं। दशहरे के दहन के बाद गुप्त दान बहुत अच्छा होता है। आप कहीं पे भी किसी भी तरह का गुप्त दान करिए, आपको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। दशहरे वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, एक फटकड़ी का टुकड़ा लेना चाहिए, उसको सबके हाथों से हाथ लगवाना चाहिए। सारे फैमिली मेम्बर्स उस पर हाथ लगाएं, आप अपने घर की छत पे जाएं और जिस दिशा में आप उसको फेंक सकते हैं उसकी तरफ पीठ कर लीजिए, उल्टा खड़े हो जाइए और अपने ईश देव को, अपने भगवान को याद करिए और कहिए कि हमारी सारी तकलीफ़ें इस फटकड़ी में आए और इसको आप फेंक रहे हैं। आप इसको ऐसे उल्टा करके फेंक दीजिए कि आपकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएँ। जिनके घर में किसी तरह का ऊपरी साया या जिनके घर में नेगेटिव उनको वाइब्स बहुत आती हैं, उनको दशहरे वाले दिन क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव बहुत वाइब्स हैं तो आप दशहरे का दहन देखने जाइए। जब रावण जल जाता है तो वहाँ से जो भी कोई छोटी सी लकड़ी का, छोटा बड़ा कोई भी पीस लकड़ी का आपको मिले, उसका कोई हिस्सा, आप उसको अपने घर में ला के अपने घर में किसी स्थान पर रख दीजिए। मंदिर में ही बेशक, साइड पर कहीं कहीं, मतलब मंदिर में जहाँ भगवान जी रखे हैं वहाँ नहीं, उसके आसपास आप कहीं पे भी उस चीज़ को रख सकते हैं। उसके आपके घर के अंदर होने से किसी तरह का बुरा प्रभाव आपके घर में नहीं आ सकता। इससे आपको घर में बुरी नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा मिलता है। फिर हमें और क्या करना चाहिए दशहरे वाले दिन? हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, हनुमान जी को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आपको पैसों की तंगी आती है तो दशहरे के बाद कम से कम 11 दिन किसी कुत्ते को बेसन का लड्डू ज़रूर खिलाना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगियों में सुधार आता है। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं कि जो आप दशहरे वाले दिन कर सकते हैं। आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, तो कम से कम मंदिर में झाड़ू का दान, कोई गुप्त दान, फटकड़ी वाला उपाय ये ज़रूर कीजिए। इससे ज़्यादा आप कुछ मत कीजिए, आपको इतना करने से भी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप करके देखिए, आप मुझे खुद बताएंगे कि हमें फ़ायदा मिला। हमारे कमेंट बॉक्स पे आप इसको बताइएगा कि आपको इसका क्या फ़ायदा मिला। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। मेरे चैनल को सराहने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम दोबारा से वास्तु की सीरीज़ शुरू करेंगे, कल से हम फिर वास्तु के ऊपर चर्चा करेंगे। मिलते हैं कल हम आपसे, धन्यवाद।